दोस्तों हमने ये बात तय कर ली कि प्राइस क्या होनी चाहिए सेल्फ असेसमेंट क्या होनी चाहिए एज अ फ्री कैसे आपको काम करना है बट एक जो फंडामेंटल एलिमेंट है फ्री का वो काम करने से रिलेटेड है मोर यू वर्क मोर यू अर्न सिंपल मैथ्स वर्क एंड अर्न दे दैट्स अ पार्ट ऑफ द इक्वेशन विच गोज साइड बाय साइड पैरल बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन A work-life balance. How do we do that? I have learned through experience. I used to work 12-12 hours a day in the early days of my career as a freelancer, only to find out that uh, I ran into multiple health problems, which I am still struggling with today. That I wish the clock would go back and I could scientifically manage my time. अपना काम और लाइफ बैलेंस करके आगे चलूँ एट दी एंड ऑफ द डे रिमेंबर हम इस काम के लिए इंसान नहीं बने हुए कि हम 24 घंटे बैठ के चार पाई वाली सीट पे या रिवॉल्विंग सीट पे बैठ के काम करें हमें बैलेंस स्ट्राइक करना है एज अ फ्री क्योंकि हमारे पास कोई बंदिश लगाने का टूल नहीं है कि नौ बजे हमने दफ्तर पहुंचना है और हमें पाँच बजे छुट्टी हो जाएगी फिर हम ट्रैवल या सफ़र करके घर पहुंचेंगे नो इस काम के लिए जापान के अंदर इतनी स्मार्टफोन वॉचेस बनी हैं जो आपको हर आधे घंटे बाद यह याद दहानी कराती हैं कि उठ जाइए अपनी सीट से ड्रिंक अ हाफ ग्लास ऑफ वाटर दिस इज टू तो इंप्रूव योर हेल्थ अब वर्क लाइफ बैलेंस स्ट्राइक कैसे होता है अब वर्क लाइफ बैलेंस को स्ट्राइक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ये जानिए कि आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए जहान है तो जहान है दोस्तों एक सही है कि काम आपके लिए बना है आप काम के लिए नहीं बने अच्छी बात है ना अगर आप 24 घंटे फाइलों और काम और कंप्यूटर के अंदर मसरूफ रहेंगे और इस काम के बोझ तले दबे रहेंगे यकीन जानिए पैसा तो शायद कमा लेंगे लेकिन शॉर्ट टर्म पैसा होगा और फिर वही पैसा आपके इलाज पे यूज हो रहा होगा जैसे मैंने अपने साथ कई फ्री का एक्सपीरियंस uh, देखा है किसी की कमर का मसला किसी की टांगों का मसला किसी का मैसिव वेट गेन किसी के यू नो मेंटल इश्यूज साइकोलॉजिकल इश्यूज सो टू स्पीक प्लीज़ स्ट्राइक द वर्क लाइफ बैलेंस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड योर हेल्थ इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी जब आप टाइम मैनेज करते हैं ना दोस्तों इसी वजह से मैं इस बात पे एंफरसाइज करता हूं बारहा अपने टाइम को क्लॉक करें 24 घंटे स्क्रीन में बैठने से कुछ नहीं होगा आपको मैं ये भी बता चुका हूं कि मैंने 12 घंटे काम करके भी उतना ही कमाया और मैंने आधा टाइम लगा के पांच घंटे लगा के भी उतना ही कमाया सो यू नीड टू स्ट्राइक योर दैट वर्क लाइफ बैलेंस एंड योर हेल्थ इज यिटी दूसरी चीज जनाब आपकी फैमिली और सोशल टाइम हमने ब्रीफली इसको डिस्कस किया था लेकिन अब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे क्या फ़ायदा ऐसे पैसे कमाने का कि जब आपके दोस्त आपके अजीज़ वकारब आपके बहन भाई और ख़ुदाना खास्ता वालदेन भी आपसे इतना खफा हो जाएं कि वो ये एसेस कर लें प्रिज्यूम कर लें कि फॉर यू मनी इज़ दी ओनली प्रायोरिटी वुड यू लाइक टू बी रिमेंबर्ड इन यूर लाइफ एज समन वर्शिप मनी यकीन नहीं ऐसा कोई भी नहीं चाहता आई अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी आई अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क बट एट द सेम टाइम आई वॉन्ट टू जनाब काम और जिंदगी का बैलेंस बहुत जरूरी है और आपके लिए आपके कारब आपका सोशल सर्कल आपके दोस्त आपके बच्चे उनके लिए भी इक्वल टाइम बहुत जरूरी है बिलगेट्स ने अपने बुक 1999 में यह लिखा कि मैं डिनर के वक्त गैजेट्स ये जो जो चीज़ें उस जमाने में होती थी कंप्यूटर्स सेलफोन जो भी होता था उसको मैं बंद कर देता था इट वॉज नॉट अलाउड ऑन माई डाइनिंग टेबल एंड द फैमिली वुड डाइन आउट फॉर हैफ़ एन आवर जहाँ पे हम सारे दिन की एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते थे किसी ने क्या सीखा किसी ने क्या मुश्किलात एक्सपीरियंस की किसी ने क्या आ, किसी की मदद की ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फैमिली डिस्कशन दोस्तों सो so प्लीज़ अपने दोस्तों को अपनी फैमिली को इग्नोर ना कीजिए तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जी काम से रिलेटेड है डू नॉट ओवर कमिट एक्साइटमेंट में एक ऐसा प्रोजेक्ट आ जाता है जो आपके स्किल सेट से रिलेटेड होता है आपकी उस पर्टिकुलर स्किल सेट पे सख्त महारत होती है आप समझते हैं कि ये पांच दिन का काम मैं एक दिन में खत्म कर सकता हूं या कर सकती हूं हजूर ऐसा होता नहीं क्योंकि आपके पास और कमिटमेंट्स भी होती हैं आपके पास और काम भी होता है अगर आप एम्प्लॉयर को ओवर कमिट कर देंगे और अपना टाइम अवेलेबल ट्वेंटी फोर सेवन रखेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप एम्प्लॉयर को ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि यू आर फ्री यू आर अवेलेबल अराउंड द क्लॉक और आपकी प्राइस तो वो खुद ड्राइव करेगा रादर देन वेन यू गिव अ वैल्यू प्रोपोजिशन टू योर एम्प्लॉयर यू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम तब आप अपने एम्प्लॉयर को ये इंप्रेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे रहे हैं कि मुझे अपना काम का पता है मुझे अपनी वैल्यू का पता है मुझे अपनी वर्क का पता है आपके साथ जो कमिटमेंट कर रहा हूँ जो कि रैशनल और लॉजिकल कमिटमेंट uh, है टाइम ड्यूरेशन की टाइम लाइन की और माइल स्टोन डिलीवरी की वो मैं वक्त पे करूँगा This is how you increase your value, and this is how you strike a perfect balance between life and work.